हिसाब से मतलब लोगों का प्यार और रिव्यू मिला है वो हिसाब से तो मैं तो सक्सेस हूँ इस गाने को लेके। और आगे भी मैं यही चाहूँगा कि लोग अगर इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और बेहतर इससे बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट्स लोगों के लिए लाता रहूँगा। मैं इज माय फेवरेट रैपर एक्चुअली अदनान और ये दोनों मेरे भाई है छोटे हैं जितने भी है सब। तो ऑफिस में बैठे थे हम लोग एक दिन तो अदनान ने बोला भाई मेरा भाई रैपर है एक बार सुनो। और मैंने सुना मैंने बोला तू इसका वीडियो क्यों नहीं बना रहा कितना अच्छा मैसेज है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके क्यों नहीं रहते आपस में भाई मीन्स सो आई लाइक दिस बॉय। मैंने बोला भाई प्लीज़ इसका वीडियो बनना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो इसने बनाया जल्दी स्पीड में और अदनान ने डायरेक्ट किया बहुत अच्छा बनाया इन लोग ने कोशिश करके सबको लेके इतना हार्डवर्क करना मतलब इट्स सीरियसली बहुत मुश्किल होती है जब तुम कोई तुम्हें सपोर्ट ना करे खुद तुम एक गाने को लिखो भी फिर उसको कंपोज भी करो फिर सब लोग मिलके इन्फ्लुएंसर और उसको सपोर्ट करना दे हैव लाइक एक स्मॉल वर्ल्ड एंड दैट स्मॉल वर्ल्ड इज़ वेरी बिग। सो आई विश देम ऑल द लक एंड ही विल एंटरटेन यू एंड ही विल गिव यू मोर गुड सॉन्ग्स एंड एमी वे बंटा है अपना बंटा आ रहे लाया। ये मैं बोला ही नहीं इसको ये खुद से किया असल में मैं जब सो के उठूँ ये गाना मैंने उस सिचुएशन से पहले रेडी कर लिया था कब जब मैं सो के उठूँ कभी अपने रूम से निकलूँ न्यूज़ अब्बा देखते रहे तो उसमें कुछ इश्यूज़ देखूँ कभी मोबाइल चलाऊँ इंस्टाग्राम पे चलाते चलाते कभी सर्च पेज पे चले जाऊँ तो उस पर कुछ इश्यूज़ देखूँ न्यूज़पेपर घर में पड़े अगर कुछ काम के लिए भी यूज़ करूँ तो उसमें कुछ दिख जाए तो जब इतने सारे चीज़ एक इंसान के माइंड में घुस जाता है ना तो एक उस एग्रेशन से मैं कहीं उस एग्रेशन को निकाल तो सकता नहीं तो वो मैंने किताबों पे निकाल दिया। वेरी गुड। बहुत खुशी होती है और मैं तो पूरी जान लगाना चाहता हूँ इसके लिए क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ किया हूँ और करता हूँ तो ये तो मेरा भाई है मेरा खून है तो इसके लिए भी मैं जितना हो सकेगा करूँगा और मेरे दोस्त लोग भी सब कर रहे हैं इसको सपोर्ट जितना हो सक रहा है सब कर रहे हैं और एजाज भाई भी कर रहे हैं जितने हैं मेरे ग्रुप वाले फैसल मेरी पूरी टीम जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं पहली बात तो कोई भी इन्फ्लुएंसर ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट करने से हिचकिचाता जाता है कुछ ऐसा टॉपिक है तो पर ये गाना जब मैं उन लोग को सुनाया मैं उन लोग को बोला भी नहीं था पर उन लोग खुद गाना सुन के ना उन लोग इस चीज़ का पार्ट बनने की कोशिश मतलब मेरे को बोले कि और ये बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत शुक्रिया मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा उन लोग को जितने भी है सोहेल फैजल सिद्दीकी लकी डांसर आस टीम नवाब और टीम नवाब आमिर भाई तनवीर जितने भी इन्फ्लुएंसर दानिश भाई फौजान भाई जितने भी इसमें पार्टिसिपेट किए म्यूजिक प्रोड्यूसर और क्या बोलते हैं जो ड्रॉप आउट सेवन जो शूट किए सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई डेढ़ दिन की बात है डेढ़ दिन में शूट किए हम लोग और ये गाना ये बहुत पहले से लिखा था पर ये गाने में चेंजेस कम से कम इसको मैं 10 बार से ज्यादा बार स्टूडियो में भेजा हूँ गाने में जो भी चेंजेस कराने के लिए और थोड़े बहुत लिरिक्स भी चेंज कराने के लिए भी बहुत ख्याल रखता है हर चीज का एक एक लाइन चेंज करके उसको ये लाइन निकाल दे तो इज गोइंग गुड ऑफ कोर्स ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि ने काफी सपोर्ट किया है क्या कहना चाहेंगे किस तरह का सपोर्ट रहा है टीम क्योंकि भी है मेरे लिए जो भी कभी भी मेरे को कोई भी चीज की जरूरत रहती है अभी भी यहाँ कोई भी चीज से रिलेटेड क्योंकि खड़े रहती है और जितने भी प्रॉब्लम फेस होते तो हमेशा तो क्योंकि मेरे साथ है तो एक बहुत बड़ा थैंक यू टीम क्योंकि के लिए। ओके वन मोर थिंग अब्दुल और अदनान यू नो विकास गुप्ता है एजाज खान है आप लोगों को इंडस्ट्री के इतने अच्छे लोग हैं जो आप लोगों के सपोर्ट में बीइंग अ इन्फ्लुएंसर कितनी खुशी होती है। ये बहुत बड़ी बात है पहले चीज तो कि इंडस्ट्री से ज्यादातर जितने भी एक्टर हो गए या कोई भी इंडस्ट्री से लोग ज़्यादातर ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स वाले लोगों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि वो लोग भी अपने काम में होते हैं और अपने काम को छोड़ के भाई हो गए या विकास सर हो गए जैसे हम लोगों को वक्त देते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है तो आप लोगों के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट भाई विकास सर के लिए शायद विकास को और मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए हम लोग नहीं ऐसी बात नहीं नो आई मीन ही इज आल्सो ही सपोर्टिंग न्यू टैलेंट बिकॉज़ आई नो हिम सिंस लॉन्ग टाइम और बहुत ऐसे नए टैलेंट को वो लाता है और सपोर्ट भी करता है ऑफ कोर्स मैं भी भाई मेरे भाई सलमान भाई का बहुत बड़ा भक्ति हूँ आई लव हिम सो मच सो
अगर कोई टैलेंट दिखता है तो उसको सपोर्ट करने में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी को तुम मोटिवेट करते हो और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी में वो तुम्हें याद ही रखेंगे, थैंक यू बोलेंगे और तुम्हें दुआ भी मिलेगी। गाना सुनने के बाद ये रैप सुनने के बाद क्या लगता है सोसाइटी में क्या चेंजेस आ सकते हैं? यार मेरे अंदर तो बहुत बड़ा चेंज आया गाना सुनने के बाद, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, इट्स सो पॉजिटिव। आई ऑलवेज लाइक दिस, मेरा यही मोटो रहता है हमेशा कि ये जो हो रहा है मैं इसलिए गाना सुन के इतना सपोर्ट इसलिए किया कि आप मेरा कोई भी वीडियो देखो उसमें ये बात होगी होगी कि हम लोगों को धर्म के नाम पे जो बांट दिया गया है दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज ये है असली हिंदुस्तान, यंगिस्तान इज 70% यंग बॉयज हमारे इंडिया में है और हमें कहाँ होना चाहिए और हम कहाँ हैं छोटी छोटी बात पे, जैसे बाबरी मस्जिद और उसका मुद्दा हो गया उस पर भी, तो ये सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट हो रहा है, ये है फ्यूचर। इन लोग अगर आगे जाएंगे इंडिया का यूथ तो इंडिया आगे जाएगा। बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन तो मतलब मेरे को, मैं बहुत डर रहा था ये कि इतना ऐसा टॉपिक है ये कि बहुत डर लग रहा था इसको मैं अपलोड करने के टाइम पे कि क्या आएगा ऑडियंस का रिव्यू, कहीं इस पर भी तो फाइट नहीं होएंगे, बहुत डर लग रहा था। पर लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को मैं पूरी रात सुबह हो जा रही है कमेंट पढ़ते पढ़ते और इतना अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स, इतने बड़े पैराग्राफ टाइप्स के कमेंट्स आ रहे थे जो देख के भी मतलब कभी किसी के पोस्ट पे या कभी किसी के गानों पे भी मतलब इतने नहीं मिले थे, तो वो कमेंट्स देख के और मोटिवेशन हो रहा था। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये है बेस्ट रैप ऑफ 2019, आप अगर स्क्रॉल करोगे ना तो ये आपको एक स्क्रॉल में ना एक बार दिखेगा ही, तो इतने कमेंट्स आए। और दूसरी चीज़ बहुत से कमेंट्स ये भी है मैंने नोटिस किया कि भाई मैं इससे पहले रैप कभी नहीं सुनता था पर ये रैप सुन के मेरे को अब मुझे रैप पसंद होने लगे, ऐसा टाइप के रैप बनेंगे तो मुझे रैप बहुत पसंद है, मीडिया की वजह से ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत अच्छा लगा है, पहले इसको बोला क्या इसको अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे, तो अदनान के लोगों ने पूछा क्या कि ये रैप बनाया है, मैंने बोला बहुत अच्छा है ये, मगर शूट कर फटाफट, मैंने इसको बोला शूट कर सबसे पहले, मगर थोड़ा होता है मतलब ऊपर नीचे हो रहे थे क्या करें या नहीं करें, उसके बाद मैंने नहीं शूट कर ले एक काम का जो भी लाइन है वो सब चेंज कर ले जो अपने गलत लग रही है उसने किया, और अब्दुल को 10-15 बार भेजा, अब्दुल थक गया इसको बहुत। है इन लोग फिजिकली प्रेजेंट होना नहीं है, इन लोग जैसे सपोर्ट करते हैं वही बहुत है, और इन लोग के लिए हाँ अभी ये टाइम पे क्वेश्चन पूछे तो बहुत ही प्यारे टाइम पे आप क्वेश्चन पूछे, तो मैं बताना चाहूँगा कि अब इन लोग ये गाने में तो नहीं थे, अब इसके बाद जो गाने आने वाला है जो पार्टी सॉन्ग उसमें रहेंगे, और वो गाना इंशाल्लाह देखना आप लोग पार्टी सॉन्ग है और बहुत ही खतरनाक है, ये लिख लिया है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि क्रिसमस और न्यू ईयर के पहले, ये मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी तक का बता रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, तो और बहुत ही अच्छा गाना ये, और सबकी ज़ुबान पे आएगा इंशाल्लाह, ये ऐसा गाना लिखा है इसने, मेरे को बहुत मज़ा आया, और ये मेरे को वो गाना लिख के मेरे को रात में नींद से उठा के मेरे को सुनाया था, मैं इसको रात में लेके गया था मैं ब्लूसन ओवर जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, तो ये कभी पार्टी किया नहीं है, ये जो चीज़ ऑब्जर्व करता है ये उस चीज़ पर लिख सकता है, ये कभी पार्टी किया नहीं, तो मैं इसको बोलता हूँ पार्टी सॉन्ग लिख, पार्टी बोलता क्या होता है वहाँ पर, तो फिर इसको ब्लूसन ओवर बताया कॉन्सेप्ट कि ऐसा ऐसा सोच ऐसा ऐसा होता है ये वो, उस दिन आके रात भर लिखा और मेरी नींद खराब करके ना 5:30-6 बजे मेरी नींद खराब किया, और मैं उस दिन लेट आया था तो गुस्सा होकर मैं इसको मारने आया था, फिर मगर मैं चलो की तरह मत लिख देना तू उतने दारू नहीं ऐसा मत कर देना फिर उसने इसने गुस्से में मेरे को मैं गुस्से में उठा मैं फिर मैं बोला चलो ठीक है सुनता हूँ, फिर जब सुना ना तो गुस्से में उठा, पर मैं गाना सुन के ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया, मैं बोला क्या बात है, फिर मैं बताया इन लोग को मैं फिर सुनाया भी मैं जो इसका ऐसे फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं इन लोग को भी सबको बहुत मज़ा आया, तो इंशाल्लाह अब बहुत मज़ा आएगा आपको, उसके लिए काम चालू बस आप लोग का दुआ, आप लोग का ऐसे सपोर्ट रहेगा ना, और आप लोग एक्साइटेड हो जाओ क्योंकि मेरे को पता है कि आप सबकी जुबान पे आने वाला है गाना, बहुत ही अच्छा गाना है, ऐसे ही प्यार देना आप लोग जैसे इसमें प्यार दिया। थैंक यू। फटका जो गया माशाल्लाह वो भी 4.2 मिलियन या 4 क्रॉस कर गया वो, और सेकंड निकाला था सवाल, जो सवाल उतना चला नहीं, सो मैं बट सवाल की लिरिक्स आपको मैं सुनाना चाहूँगा जो सवाल, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं सवाल ये बोल रहा है उससे पहले ये मुझे बताया भी नहीं, ये सोचा कि मैं बिजी रहूँगा, फर्स्ट टाइम मैं किया तो सेकंड टाइम पे इसने मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया, ये खुद से मोबाइल से शूट करके वो अपलोड किया सेकंड टाइम, फिर भी उस पर इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए, मतलब उस पर ना के बराबर हो वो गाना, आप सुनो आप लिरिक्स,
उसके लिरिक्स फर्स्ट रैप से ज्यादा अच्छे। मेरी हिम्मत मेरे साथ चाहे जैसे वो हालात, थोड़ी बल्टी मेरी बात क्योंकि अलग ही अंदाज मुझे बाकी अभी सांस जाना सबको उसके पास, यहाँ कोई नहीं खास बंदे सभी यहाँ लाश। अब बस करता हूँ ये आस, अब तेरा पर्दाफास, किससे जलने का नहीं, इस पे पलने का नहीं, हमसे फोकट खाली फोकट में तू बजने का नहीं, हमसे लड़ने का नहीं, खूटा सड़ने का नहीं, जो सीखा मैंने सीखा इस छोटी सी चाली में, दुआ मिली मुझको मेरे अब्बा की गाली में, खुशी छुपी मेरी पब्लिक की ताली में, फ्लो मेरा बाप और लिरिक्स भी भारी है, रुका बहुत साल अब अपनी बारी है, मेहनत मेरी अभी तक यहाँ पे जो जारी है, लिखने लगा शब्दों को कलम से, हाल ही में फंसा था मैं बहुत इस धोखे की जाली में, फिर भी आगे का प्लेन पेज करता सिर्फ आर्ट, ये है साथी की बात, मेरे कलम मेरे हाथ, लास्ट पेज का उस लास्ट पेज का वो साथ, जब सब सोते उस रात लिखता रहता था हालात, ना कोई धर्म ना जात, सब अपने हैं खास, लगा कुछ साल जो मैं बदला मेरे हाल में, रास्ते मेरे जो बवाल उस पे सीधी मेरी चाल, ना मैं करता जो जाल, ना मैं पीता माल बाल, बोल काय का सवाल, बोल 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 क्या भाई का सवाल। टैलेंट डांसता तो वहाँ पे टैलेंट ही खाने का, अभी टैलेंट मेरे पास तो इतने टैलेंट है माशाल्लाह से, तो वहाँ पे मगर परफॉर्म जो मैं कर सकता था वो ये तीन चार डांस थे, तो वहाँ पे रैप कोई कर नहीं सकता, रैप कोई नहीं किया था, फिर उन लोग कमजोर बोले तो मैं फिर निकाला टीशर्ट, मेरा लो कमजोर, फिर थर्ड फिर एंटरटेनमेंट बोले, फिर डांस दिखाया। वेलकम वेलकम। ओके पहले तो कांग्रेचुलेशंस, मतलब एक बार सुपर डुपर हिट जा रहा है रैप, क्या कहना चाहिए, आपको किस तरह की फीडबैक्स मिल रहे हैं? स्टार्ट करें तो वो जब उस चीज़ के बारे में हमें पता चला था तो उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आएंगे ये वो ये वो, तो हम लोग की अगर बात करा जाए तो मी एंड आस वी आर इन्फ्लुएंसर्स, तो हम लोगों को जब उस बारे में बताया गया था तो हम लोग ने डायरेक्टली बोल दिया था वी आर इन, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है मैसेज जो पहुँचना चाहिए लोगों तक, तो हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर आज के डेट में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम बात करना चाहेंगे इसके बारे में, और एज यू नो जस्ट बाय चांस देयर वाज आल्सो समथिंग एल्स इन द न्यूज़ व्हिच वाज काइंड ऑफ अ थिंग जिससे कुछ गलत चीज़ हो सकती थी, एंड आई एम सो हैप्पी के हमारा गाना इस टाइम पर आया और हमने इस तरह की बात कर रहे हैं, हम हमारे दिल में मतलब सही चीज़ चल रही है, सो वेरी हैप्पी दैट यू नो एवरीबडी हैज़ कम टुगेदर टू डू समथिंग गुड। आई थिंक हमें यही चाहिए कि यंगस्टर्स टॉकिंग अबाउट करंट इश्यूज, लाइक लोग बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं लेकिन इन चीज़ों के बारे में कम होती है बात, सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक तो उसने खुद इनिशिएटिव लिया ये करने का और दूसरा लोग सुन रहे हैं ये बातें, सो विच वी कैन टेल बाय द व्यूज विच इज़ वेरी नाइस एंड हार्टनिंग के इंडिया में अभी भी वो स्पिरिट साथ में है यूनिटी की। बहुत अच्छा लगा, मजे आई सब एक साथ, वैसे तो सब हो नहीं पाते अब, सब बिजी रहते, तो इसमें बहुत मजे आई, साथ में काम करने मिला और एक अच्छे मैसेज देने मिला सबके लिए, इससे फैमिली भी खुश, दोस्त भी खुश, फैंस भी खुश, सब खुश। एक एक्साइटमेंट था जो फ्रॉम द स्टार्ट था कि ये शूट स्टार्ट हो रहा है, एक एक्साइटमेंट था, हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कब शूट स्टार्ट होगा, कब गाना आएगा, कब वो फ्लैश होगा, हम लोगों का फर्स्ट टाइम वीडियो देखने मिलेगा, पर वो जैसे भी हुआ सब स्लो स्लो बहुत अच्छा हुआ, और आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ धर्म। अरे इवन आई राइट सॉन्ग्स एंड ऑल, तो मैं भी उस बारे में कभी उस जॉनर में मैं कभी गया ही नहीं था, इवन अब्दुल वो भी ये सब चीज़ के ऊपर लिखता था, जब उसने मुझे ये सब चीज़ बताई और ही वॉज लाइक कि वी आर पुटिंग अ मैसेज सोशल मैसेज, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक शायरी या कुछ एक चार लाइन्स देने लिख के, तो उसने मुझे मजबूर कर दिया कि वो उस जॉनर में जाके सोचे, और मैंने फिर उस बारे में सोच के फिर मेरे दिल से जो जो निकला वो लास्ट की जो पैराग्राफ है वो मैंने लिख के दी, फिर हम लोगों ने वो किया। Thank you.
बात निकल रही थी और आई थिंक वी हैड द फेथ के लोग ये पहचानेंगे सही तरह से कि इसका यू नो इसका पूरा प्रिंसिपल क्या है. सो आई डोंट थिंक वी वर अफ्रेड, आई थिंक वी वर एक्साइटेड कि यू नो दिस वुड बी समथिंग होपफुली पीपल विल लिसन टू दिस रादर देन लाइक आज के लोगों को बहुत कुछ है सुनने के लिए. बट आई एम हैप्पी दैट यू नो एवरीबॉडी इज पेइंग अटेंशन टू ज्यादा से ज्यादा लोग लिरिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. जब वो चीज पढ़ रहे हैं ना तो लिटरली वो चीज ऑब्जर्व कर रहा है इंसान के हाँ ये सारी चीजें हो रही है पर कोई बताता नहीं हमें, तो वही काम अब्दुल कर रहा है. अब वो आने वाला अभी मैं उसको और आगे जाएगा उसको किसी कैरेक्टर से कंपेयर नहीं करेंगे हम या किसी आर्टिस्ट से कंपेयर नहीं करेंगे. वो वन साइड आगे चल के इंशाल्लाह वो सब क्या छोटा है वो वहीं रह के देख रहा है सब बाहर निकल के देख रहे वो वहीं रह के देख रहा है आज भी. तो जो बोल रहा है वो सब सच बोल रहा है, जो देख रहा है वो बोल रहा है. तो हम लोग यही चाहेंगे कि वो अलग ही रहे सबसे. बहुत धारावी से बहुत सपोर्ट है, मैं वहीं रहता हूँ तो वहाँ से बहुत सपोर्ट है. सब यही चाहते हैं, हम लोग की बिल्डिंग भी सब ऐसे ही है, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई जो लाइन है ये देखी गई लाइन है. लोग साथ में रह रहे फेस्टिवल साथ में बनाते हैं और धारावी से ही बहुत सपोर्ट है. धारावी वाले भी खुश है कि हमारे बच्चे छोटे वो बाहर जा रहे हैं, टीवी पे आ रहे, यूट्यूब पे आ रहे, तो लोग भी बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर. और ये चीज जो उस जगह से आया है वही इंसान क्लियरली बता सकता है. अगर कोई एक बाहर का आर्टिस्ट आके कोई धारावी के ऊपर कोई एक सॉन्ग लिखेगा या वहाँ का रहन सहन के ऊपर लिखेगा तो वो उतना उस चीज उसके डीप में नहीं जा पाएगा जितना अब्दुल जा चुका, क्योंकि वो उस जगह पे रहता है, वो सारी चीजें नोटिस करता है. रैपिंग में तो थोड़े कच्चे हैं बस ऑल द बेस्ट ही बोलूंगा मैं अब्दुल को. और इसी तरह अभी आने वाला फ्यूचर उसका बहुत ज्यादा ब्राइट है, वी कैन सी इट. बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे. और अब्दुल की लाइंस हम लोग भी नहीं बोल पाते, वो वही बोल सकता है, वो इनसे बेहतर. इन्होंने उसको रिकॉर्ड किया है, ही नोस इट बेटर. इन्होंने बाकायदा बोल दिया था डूड यू हैव अ यू नो बहुत अच्छा सर बताइए आप ये चीज. सो रिकॉर्डिंग के वक्त भी मतलब फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड के ये इस पे बात हो रही है एंड सच अ यंग पर्सन इज थिंकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस. तो ये आई थिंक ये बहुत हार्टनिंग है कि आज का यूथ इस बारे में सोच रहा है. थैंक यू मस्त है यार, काफी उसने अच्छा मैसेज दिया है ना, मैसेज अच्छा है और मस्त उसने थोड़ा सा मुंबई रखा है अंदर तो कैसे निकला हुआ लग रहा है. हाँ और सबसे बड़ी बात बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस एक साथ आए और एक इंडिया की यूनिटी दिखाई दी जिस चीज़ में और रिलीजन की यूनिटी हम सब एक हैं. इतना अच्छा मैसेज उस पर इतना अच्छा लिखा है, ऐसा नहीं कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें बताया एक एक रैप के अंदर. तो मुझे शूटिंग वाइज लिरिक्स वाइज म्यूजिक वाइज बहुत अच्छा लगा. हाँ मतलब कमिंग आउट हाँ मतलब इतने हाँ छोटे लड़के में से भारी भारी वर्ड्स आ रहे हैं, एक धर्म अपने आप में इतना भारी वर्ड है और टैलेंट की कोई उम्र थोड़ी होती है. तो बहुत ही अच्छा लगा कि नहीं यार मैं सरप्राइज भी था यार कि बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ लिखी है. तो अच्छा अच्छा कि वो पहले से लिखता है बट इतना उसका आ रहा है वो मुझे नहीं पता था काफी अच्छा. हाँ बहुत अच्छा लगेगा हमें तो, और क्योंकि अब जब देख के पता चलता है कि वो इतने अच्छे मैसेजेस देता है अपने इसमें तो रैप तो बहुत लोग करते हैं लेकिन एक ऐसे मैसेज देना बहुत बड़ी बात है. तो वी वुड लव टू तीन दिन वुड लव टू फीचर. ऐसा है कि अभी हमारा जो चैनल है वो एक स्टेज पे ग्रो हो रहा है तो एक बार हम कितना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिए कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो हम मैसेज एक्चुअली देना चाह रहे हैं वो बहुत मास तक पहुंच पाए. तो ये हमने सोच रखा है कि एक कुछ एक हमने हर मन में एक ऐसा मैसेज है जो मैसेज अब तक कोई टच नहीं कर पाया है तो वो हम ऐसे टाइम पे देंगे जब हमारा बहुत एक बड़ा एम्पायर होगा जहाँ बहुत लोग से टच में आ सके. बहुत प्यार है अपनी ऑडियंस के, इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार है अपनी ऑडियंस के, अभी एक महीना हुआ है और अभी 500 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो बहुत बढ़िया है.
आगे और भी और आगे तो और बहुत है, हमने और बहुत शूट करके बैंक बना के रखा है। तो अच्छे अच्छे फन वीडियो जो आप लोग को हम पे भी ऐसी आएगी, हमारी हरकतों पे भी ऐसी आएगी, तो बस हंसी आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। स्पाइसी नूडल्स चैलेंज, दिवाली स्पेशल। हाँ, क्योंकि दिवाली में हम लोग थोड़ा इको फ्रेंडली बना रहे थे हम। अभी आपने बोला ना एज एन इन्फ्लुएंसर, तो वही पटाखे हमने पेट के अंदर फोड़े, बाहर नहीं फोड़े। हमने इन्फ्लुएंस भी किया था लोगों को कि प्लीज इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। स्विट्जरलैंड की जर्नी तो मैं जाकर आया अब। हाँ, तो मेरे दोस्त लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो अच्छा लग रहा है, और यूट्यूब भी बहुत अच्छा चल रहा है। कि ऐसे ऐसे बच्चे जो इन्फ्लुएंस लेते हैं, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस लो कि वो लिखते हो आप तो उसको इम्प्लीमेंट करो तो ऐसा बनता है। धीरे धीरे शुरुआत करोगे, आज वो बहुत टाइम से अब्दुल कर रहा है, तब जाके अब उसने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। ऑब्वियसली वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, लाइक मैं कब से देख रहा हूँ कुछ ना कुछ लिख रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो हाँ, ऑब्वियसली जितने भी जो बच्चे हैं बहुत सारे चीज़ को लेकर गलत इंटरव्यू आते हैं, उनको सही है, उनको ये सीखने मिलेगा इससे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि अब्दुल बहुत टाइम से लगा हुआ है, तब जाके उसने अब लॉन्च हो रहा है, फाइनली मिला ना वो चीज़, तो फिर इसलिए। हाँ, ऑल्सो बस सबको जो भी कोई करता है उसको सपोर्ट करो, प्यार दो, कभी हेट मत करो किसी को। जैसा आप प्यार हमेशा आपको देते हो वैसा देते रहिए, और एंड वील वर्क हार्ड कि हमेशा वीडियोस बनाते रहेंगे अच्छे अच्छे, और आपके चेहरे पे स्माइल दिलाते रहेंगे। एंड लव्स यू। बहुत अच्छा सॉन्ग था, और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ने तो सोचे भी नहीं थे कि मतलब इतनी क्रिएटिविटी है इसके अंदर, और अदनान ने भी नहीं सोचा था, मगर अदनान को जब उसने सुनाया, और अदनान तो स्टार्ट से हम लोग को बोलते आ रहा था कि अदनान अब्दुल्ला बहुत अच्छा रैप कर रहा है, अब्दुल्ला ही बोलता हूँ मैं इसको, तो बहुत अच्छा रैप कर रहा है वो, तो उसने अच्छा ध्यान दिया उस चीज़ पर। एक बार मैं और अदनान फ्लाइट में ही थे, सब सो गए थे हम लोग जितने भी थे, हम लोग शूट से आ रहे थे, दुबई से आ रहे थे ना, हाँ, तो ये बैठ के ना मतलब लिख रहा था लिखते लिखते लिखते, फिर मेरे को सुनाया उसने, अदनान ने भी बोला देख ऐसा ऐसा है और ऐसा शूट करूंगा ये वो, मतलब सब इतने थके हुए थे तो भी अदनान मतलब इसमें ही लगा हुआ था कि मतलब ऐसा शूट करूंगा वैसा शूट करूंगा, और उसने किया, बहुत अच्छा किया, जैसा बोला था वैसा ही वैसे किया। मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें टैलेंट छुपा हुआ है, हम लोग को तो पता ही नहीं था, लेकिन धर्म बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत अच्छा रैप किया है, ऐसे लिरिक्स उसके है ना, जो ऐसे लिरिक्स है कि हर एक के माइंड में भी आ जाएगा, कैची भी और बहुत अच्छा भी, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। ओके, 307 से सॉन्ग को लेके तो मैं यही पहले कहना चाहूँगा कि बहुत से बहुत ज़्यादा वायरल करो सॉन्ग को, और बहुत ज़्यादा टिकटॉक बनाओ, जितना ये वायरल होगा कंटेंट उतना अच्छा इफेक्ट गिरेगा सोसाइटी पे। और जो हिसाब से इसने कॉन्सेप्ट बनाया है धर्म का, और जो मतलब लोगों को बताया है कि क्या है और क्या नहीं है आज के टाइम पे, तो ये बहुत अच्छी बात है, और एक्सपेक्टेशन भी हमारी सोसाइटी से यही रहेगी कि मतलब जैसा है वैसा फॉलो करें। ज़रूर इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी ये, इन लोगों को बताया, वो लोग सब बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं इन लोगों को बताया, मैं उसकी कुछ लाइंस में कोई आती तो मैं इन लोगों को मैं सबको वो लाइन सुनाया, और इन लोगों को जो हिसाब से मैं बताया मैं शूट का भी कि कैसे करेंगे, तो सभी बहुत बहुत एक्साइटेड है, और आप लोग भी एक्साइटेड रहेंगे मेरे को लग रहा है देखने के बाद। अब आप लोग ये क्वेश्चन कहते कि टीम 07 इसमें भी नहीं, क्योंकि टीम 07 इसमें रहेगी, और सब ने अपनी अपनी लाइन ले ली है कि क्या है क्या लाइन लेना है, कौन किस चीज़ पे आ रहा है, सबके कैरेक्टर के साथ उसने लाइन लिया नहीं नहीं ये न्यू ईयर है, नहीं नहीं ये तो न्यू ईयर के सॉन्ग की बात है ना, तो अदनान मेरे को स्टार्ट से ही बोल रहा था कि मतलब एक पार्टी सॉन्ग करेंगे, बाकी उसने धर्म पहले किया तो अच्छा है, और धर्म में बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो उतना ही एक्साइटेड रहेंगे हम लोग मतलब पार्टी सॉन्ग के लिए भी, और बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था घर का, और सभी अच्छा खेल रहे थे, और
अदनान भी अच्छा खेल रहा था और वैसे वोटिंग वगैरह की भी तो हम लोग सुने कि अदनान को भी बहुत अच्छा वोट आया। बाकी किस्मत किस्मत की बात है, जैसा जिसको था जिसको मिलना था वैसा उसको मिल गया। बाकी हमारी एक्सपेक्टेशन क्योंकि डिजिटल मीडिया वो हमारी कंपनी है और हम लोग बहुत खुश हैं हमारी कंपनी से और हमको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, अच्छे से अच्छे तरीके से उनके तरफ से हमको काम मिल रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा बाकी इन्फ्लुएंसर लोग को भी कि आप लोग भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपको ब्रांड डील्स पता चलेगी कि आपको कितने में, क्योंकि हम स्टार्ट में हमें पता नहीं होता था कि ब्रांड डील्स कितने में लॉक होती है, कितना किसका कोड होता है, मगर क्योंकि ने हमें बताया कि क्या होता है और कैसे होता है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि बेस्ट कंपनी है। एक साथ हम लोग खुद का ही शो कर लेंगे अगर आप लोग बोलो तो। इंशाल्लाह मिल जाए बिग बॉस में भी। जैसे कि पूरा ध्यान इस वक्त तो एसओ स्पेस पे ही लगा था, आप शायद ध्यान देंगे, एसओ स्पेस हो गया है तो बिग बॉस पे भी ध्यान देंगे हम लोग। नहीं हम कपिल शर्मा के शो में तो अभी तक गए नहीं है, वायरल हो रही है कि हम लोग गए हैं वैसा कुछ भी नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई शो में नहीं गए थे, अगर शो गए होते तो आपको एक्सप्लोर में ही मिल जाता सबसे पहले हमारा कोई भी क्लिप। एक्सप्लोर में इंस्टाग्राम पे या तो आपको यूट्यूब पे दो बार ऐसे स्क्रॉल करते तो मिल जाता, नीचे ही दिखता था। फैंस और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इतना प्यार, धर्म पे इतने रिव्यूज आए उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और मेरे भाई लोग साथ में एनी टाइम रहते सो भाई लोग को भी दिल से शुक्रिया। और जितने लोग उसमें परफॉर्म किए, टीम नवाब, सोहू भाई, आमिर भाई, फैजल भाई, आज भाई, जितने भी भाई थे, लक्की भाई, बहुत सारे भाई थे। और इसमें ब्लू सेनोवा जो म्यूजिक प्रोड्यूस किए और ड्रॉप आउट जो वीडियो शूट करे, सो ये सब लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और लास्ट मेरे जितने भी पब्लिक, एक एक बंदो, जो जो ने व्यू किया, जो जो लाइक किए, जो जो डिसलाइक किए, जो लोग कमेंट्स किए, सबको मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। कम से कम गाने सुने हो वो शुक्रिया। अच्छी बात है, आपका एक्सपेक्टेशन भी रहना चाहिए अब्दुल रहमान, क्योंकि दिल से काम हुआ है और बहुत मेहनत गई है इस चीज़ में, मैं देख रहा था मैं तो, वो हिसाब से रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है लोगों का। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारे टिकटॉक बनाएं इस पे, क्योंकि टिकटॉक आपको पता है कि अभी सबसे नंबर वन ट्रेंडिंग ऐप चल रहा है, तो उस पर अच्छा प्रमोट होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ढेर सारे टिकटॉक बनाइए, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, क्रिएटिविटी दिखाइए, हम अपनी स्टोरी पे ज़रूर डालेंगे जैसे हम सब सॉन्ग ही डालते हैं। तो बस आपका प्यार चाहिए और इतने क्रिएटिव लोग हैं टिकटॉक पे, तो मैं चाहूँगा कि जैसे इतनी क्रिएटिविटी आप लोग दिखाते हो तो कुछ क्रिएटिविटी दिखाए। और जैसे कि बीच में मैंने स्टोरी डाला था दो तीन लोगों की, मेरे को बहुत अच्छे लगे और इतना क्रिएटिव कंटेंट बनाया टिकटॉक पे, तो मैं भी चाहूँगा कि और वीडियोज ऐसे देखने को मिले, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ईजी है कंटेंट निकालना, जो हिसाब से मैंने गाना निकाला है उसके ऊपर अगर आप लोग वीडियो बनाओगे कोई कॉन्सेप्ट लेके, तो वो बहुत इजी पड़ेगा। आप कोई भी लाइन चूज करोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत इजी पड़ेगा अगर आप लोग उसके ऊपर बनाना चाहोगे। अगर हम कोई सॉन्ग पे, एल्बम सॉन्ग पे या कोई रोमांटिक सॉन्ग पे अगर हम कोई कंटेंट बनाते हैं, तो उसके लिए हमको सोचना पड़ता है कि हम इसमें कंटेंट क्या रखें, क्रिएटिविटी क्या दें जिससे वो वायरल हो। मगर ये सॉन्ग में अगर आप देखोगे तो सारी पूरी लिरिक्स लाइन से है, आपको पूरे कंटेंट भी रेडी है, आपको बस शूट करना है, बस आपको शूट करना है। और इंशाल्लाह आप हम लोग का भी बहुत जल्दी टिकटॉक देखोगे इस सॉन्ग पे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। आप बताइए अदनान ने क्या चेंजेस आया आपके एक वक्त में, आप लोग बताइए। बस 7 किलो कम हो गया मेरे भाई का। मैं बताता हूँ चेंजेस यह है कि अभी ये कहीं पे भी अपना फोन छोड़ के चला जाता है, क्योंकि अंदर इसको फोन यूज करने मिलता नहीं था, तो अभी इसके ध्यान में भी नहीं रहता है फोन। उठ उठ के कहीं पे भी हम लोग रेस्टोरेंट में खाने पीने जाते हैं तो वहाँ पे भी अरे हाँ यार फोन भी लाया लगे, तो हम लोग अपने फोन को 5 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते क्योंकि सारा काम इसी से। और ये 20 दिन के अंदर रह के आगे है ये, तो अभी अच्छा 1 महीने से ज्यादा, देख प्यार ज्यादा है मेरा प्यार ज्यादा है, इसके लिए तो कम दिन दिखा मेरे को। अभी थोड़ा और उम्र कम करने की कोशिश कर रहा है वो, बस उसको इसी चीज की खुशी है कि वो बड़ा है सबसे, और दिखता है छोटा, बाकी छोटा दिखता है। You're welcome. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you so much.